बैक टू माई YouTube चैनल। तो यहाँ पे देखिए हो गया शाम का टाइम, आ गया मैं क्लासेस से। और गाइस मालूम है आज जो कि मम्मी खाना बनाए थे तो आज शाम का टाइम बचा नहीं था, तो मम्मी बोली जाओ जाकर आर्यन चाइनीज भी लेकर आओ। मतलब कि अब क्या है, जल्दी तो अब बाहर का हम लोग खाते नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जल्दी मम्मी नहीं खाती है, लेकिन आज मम्मी का मन कर रहा था खाने का, तो वो सोची कि दो प्लेट मंगवा लेते हैं। आरो कहाँ गया बुलाओ? आरो आ रहा है अभी, नीचे गया है। यहाँ पे देखिए गाइस, गाइस इसी को यहाँ चाइनीज भेल बोलते हैं। चम्मच नहीं दिया है क्या? चम्मच नहीं देता हूँ। अच्छा हाँ, चम्मच से क्या? ये लो, मुझे ये प्लेट में दे दो। गाइस ये चाइनीज भेल आर्यन बहुत खाते हैं, मैं तो जल्दी मंगाती नहीं हूँ, लेकिन आज मेरा मन कुछ स्पाइसी खाने का ही मन कर रहा था। मन जैसे टीका फीका लग रहा है। पहले मैं सोची समोसा मंगाऊ, फिर मैं बोली अभी तो कल तो आलू का पूरी बनाई थी, कचौड़ी बनाई थी, फिर उसके बाद मैं सोची आज चाइनीज भेल मंगाती हूँ खाती हूँ। सब बहुत जोर शोर से यहाँ चाइनीज भेल खाते हैं। तो देखिए गाइस यहाँ पे मम्मी जो कि निकाल रहे चाइनीज भेल, आलू जुड़े ब्लॉग में मिलते हैं। गाइस आप लोग घड़ी में देख सकते हैं 9:15 बज रहे हैं, और इधर आरो देखिए ड्राइंग कर रहे हैं इतने ढेर सारे कलर लेके। और मैं जा रही हूँ किचन में, सब्जी वगैरह कब से काट के रखी थी गाइस, शाम को नाश्ता भी मंगाए, समोसा भी मंगाए और वो मंगाए। इधर देखिए सब्जी काट के रखी हूँ, धनिया आलू टमाटर लहसुन प्याज सब कतर के रखी हूँ। इधर चाय वगैरह शाम को नाश्ता किए थे हमने, ब्लॉग नहीं शूट किया लेकिन क्या करें, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड आई थी और समोसा वगैरह ये ना चाय आर्यन चाय बनाया था, तो मैं बैठ के बात कर रही थी और आर्यन चाय बनाया, आर्यन ब्लॉग को शूट किया नहीं। इधर ये काम कर रहे हैं, हम जा रहे हैं फटाफट के और खाना बनाना है। मैं चाय का बर्तन एक तरफ पहले सब्जी छोड़ देती हूँ, फिर चाय का बर्तन धुल लूँगी, क्योंकि 9:30 बजे पानी बंद हो जाएगा। तो यही सब काम रहता है, कुछ ना कुछ काम तो होता रहता है गाइस। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, मैं फटाफट काम कर लेती हूँ, दिखा दी नहीं तो फिर लेट हो जाएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग हो गया सुबह का टाइम, और यहाँ पे सभी लोग मैं और आरो खाली चाय नाश्ता कर रहे हैं। मम्मी सुबह सुबह हो गया है तो मैं कर रहे हैं भगवान जी का पूजा, देख सकते हैं यहाँ पे सुबह सुबह। और आज हो गया 30 तारीख, तो अभी तो हम लोग आज का दिन से रक्षाबंधन शुरू हो गया। पर क्या है गाइस ना, आप लोगों को पता होगा कि आज मतलब कि 9 बजे के बाद से, 9:02 के बाद से मुहूर्त अभी तो कोई बांधेगा नहीं, और कल सुबह के 7 बजे तक है। तो देखिए आज हम लोग के घर पे हम लोग उठ ही जाते हैं, स्कूल जाना ही है कल मेरे को, तो उठ जाएंगे। और कल घूमने भी जाना है ना, शायद जाएंगे कि नहीं। यहाँ पे देखिए मौसी भी आने वाली है गाइस आज, और यहाँ पे मम्मी पूजा वगैरह कर रही है भगवान जी का। तुम सोए थे ना कल रात को, दीपक मामा कॉल किए थे और राखी अभी तक बनाया नहीं, उनका गिफ्ट आ गया। क्या आया? क्या आया है गिफ्ट, क्या आएगा, इतना दूर से गिफ्ट तो आ नहीं सकता है। पैसा पैसा भेजे थे। तो गाइस आप लोग ब्लॉग में जुड़े तब तक हमें यहाँ पे जो की पूजा भगवान जी को जा रही दिया जलाने, तो आप लोग जुड़े ब्लॉग में मिलते कुछ देर के बाद। A few moments later. तो गाइस इधर देखिए दोपहर के समय हो गए हैं, और आज मैं खाने में बना रही हूँ पूरी और सब्जी, क्योंकि आज जो बच्चे लोग घर पे हैं तो मैं पूछी क्या बनाऊँ, तो बोल रहे हैं पूरी सब्जी बना दो। तो गाइस इन लोग के लिए पूरी सब्जी बना दे, बच्चे लोग को यही सब पसंद आता है, जो चीज़ पसंद आता है वही चीज़ बना देती हूँ। और दाल चावल रोज़ रोज़ खाते खाते उब गई हूँ। आर्यन आज तो पहली बार बोला कि हाँ मम्मी पूरी सब्जी बना दो, नहीं पहले बोला पराठा सब्जी बना दो, फिर बोला पूरी सब्जी बना दो, तो मैं बोली चलो ठीक है। और अक्सर पूरी सब्जी गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। और उधर आरो देखिए मस्ती कर रहा है, बार बार मशीन चला रहा है, बार बार उसको मैं मशीन चलाने के लिए मना कर रही हूँ। और आज है रक्षाबंधन, सभी प्यारे भाइयों बहनों को हैप्पी रक्षाबंधन फिर से बोल देती हूँ। और खाना बन जाता है तो हम लोग खाएंगे पिएंगे थोड़ा सा, आज घर पे बच्चे हैं मौज मस्ती करेंगे। और आज कौन कौन राखी सुबह मना रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। गाइस खाना बना के मैं खाली हो गई, इधर देखिए आर्यन बैठ के खा रहे हैं और मैं इधर बैठी हुई हूँ। तो गाइस आपको पता है कि कल रात को हम लोगों ने ये बच्चे लोग सो गए थे, तो रात को 11:30 बजे दीपक भाई का फ़ोन आया था, ऐसे ही हालचाल पूछ रहे थे। और फिर पूछते फिर उसके बाद मेरे अपना मैं बोली राखी की बांध लेना,
मैं तो यहाँ बांध लूंगी गाइस। बड़ी दुख की बात है कि अगर तीन तीन बहनें होते हुए भी एक भी बहन न पहुंच पाओ तो ये तो मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में ही बोला था। और ये देखिए इस समय सिलाई विलाई एकदम बंद है, कपड़ा है सिलने के लिए लेकिन बिल्कुल सिलने का मन नहीं कर रहा है। तो राखी बांधा नहीं कि दीपक भाई का गिफ्ट आ गया रक्षाबंधन का, और उन्होंने अब इतना दूर से गिफ्ट वो क्या भेज सकते हैं गाइस, तो उन्होंने मेरे लिए बस गिफ्ट भेजा है। और मेरी बहन का फ़ोन आ रहा है कहाँ से, बड़ोदरा से, मेरी चाची की लड़की का। हाँ तो अंशु सिसना से सेव है, तो काफ़ी दिन के बाद आ रहा है फ़ोन। पहले मैं फ़ोन पे बात कर लेती हूँ फिर इसके बाद आप सबसे शेयर करती हूँ। तो गाइस फ़ोन करके हम खाली हो गए, रखना उसी में आरोप खाना निकाल देती हूँ। तो फ़ोन करके खाली हो गए हैं, और इधर देखिए ये तीन महारथी हैं, इधर सानवी आ गई है और इनकी मम्मी अभी नीचे है आराध्या के घर में। ये आराध्या बुखार सही हो गया? अभी आराम है। अगर नहीं आराम होगा तो खून टेस्ट करना। अच्छा सानवी का भी तबीयत आराम है? सानवी इसको भी बुखार हो रहा था तो इधर सब लोग जा रहे होके कर रहे हैं। तो गाइस मैं इधर अभी हूँ और जा रही हूँ क्या करने, बच्चे लोग को पहले खाना निकाल देती हूँ, खा लेते हैं, काफ़ी समय हो गया है, एक बज गया है घड़ी में। तो दीपक भाई ने हमारे अकाउंट में पैसा ही ट्रांसफ़र किया था गाइस, इतनी दूर से तो आ नहीं सकते हैं, लेकिन ये भाई लोग का प्यार देखिए बहन के लिए, कि राखी बंधा नहीं कलाई पे लेकिन उन्होंने अपना गिफ्ट मेरे लिए भेज दिया। ये प्यार है, है? ये प्यार है मेरे भाई का। और क्या है, होता है ना, बहुत से लोग होते हैं क्या, लेकिन रात को 11:30 बजे क्या ज़रूरत थी उनको ये सब करने का, वो तो बाद में कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या बोला, सरप्राइज़ दे दिया। और ये सरप्राइज़ मुझे देख के बहुत अच्छा लगा ना, लेकिन हमें तो ये खुशी होती कि हमारे दिल से हमेशा यही दुआ निकलती है कि हमारे भाई लोग या चाहे जो भी हो सब लोग चाहे जहाँ रहे अच्छे से रहें, बस यही जाती जान। तो गाइस इधर देखिए आरव खाना खा रहे हैं और शानवी को अपने हाथ से खिला रहे हैं, मतलब राखी बांधी नहीं राखी का फर्ज निभा रहे हैं। इधर देखिए अपने हाथ से खाना खिला रहे हैं शानवी। तो गाइस ये भाई बहन का प्यार आप लोग को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जब रक्षाबंधन देखो आज रात को सेलिब्रेट करते हैं कि कल सुबह सेलिब्रेट करते हैं, वो हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा। तो आप सबसे मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर।